Hey everyone, welcome back to my channel. I know बहुत लोग वेट कर रहे थे ये मेरे ये बोलने का कि वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ दोज जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे यूट्यूब का. सो आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग दैट विल गिव मी यू नो मोटिवेशन टू पुट समथिंग ऑन यूट्यूब. तो यस, हियर इज द 30 डे चैनल. आप लोगों ने टाइटल पढ़ी लिया. सो आई एम गोना ट्राई टू डू अ 30 डेज चैलेंज. लेट्स सी वो कैसा जाता है. बट ये वीडियो किस लिए, ये वीडियो जस्ट टू लेट यू गाइज नो. आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड ट्राई टू कीप इट इन्फॉर्मेटिव. लुका, नए शूज है मेरे, वो पता है आपको. एनीवेज, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू keep this video short and informative. And secondly, the main goal of this video is that I'm gonna show you guys my current state ki main abhi meri body kis sthiti mein hai. To so that main ek bar online dal dunga to I have that motivation nahi hai that I have these 30 days. I have to prove myself. I have to show you guys that in 30 days आप अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर डिसिप्लिन में रहोगे, यू कैन सी द चेंज इन योर बॉडी दैट यू वांट टू सी. एंड फर्स्टली दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, एज यू ऑल नो. मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का नहीं हूँ. आई एम जस्ट गोना शेयर एवरीथिंग जो मैं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा. अगर आपको वो यूज करना है, अप्लाई करना है अपनी बॉडी पे, यू कैन डू इट. अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो यार व्हाई नॉट. बिकॉज मैं भी ऐसे ऑनलाइन देख देख के अपनी बॉडी पे यू नो अपनी डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अपने वर्कआउट के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ एंड फॉर्चुनेटली वो मुझे रिजल्ट दे देते हैं. तो अगेन, हर का अपना अपना बॉडी टाइप होता है. ओके, सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मेरे वीडियोज पे यार लड़कों के इतने कमेंट आते नहीं है, बट जो मैंने लेटेस्ट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रील डाली थी उस पर कितने लड़कों ने टेक्स्ट किया है कि यार कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दैट, वर्कआउट क्या है, डाइट क्या है, व्हाट नॉट, इतने सारे क्वेश्चन मेरे को पूछे हैं. तो वो एक मोटिवेशन थी मेरे लिए यार कि फाइनली अ लॉट ऑफ गाइज आर कमिंग इन एंड लेटिंग मी नो एंड आस्किंग मी कि यार कि यस क्या आपका प्रोसेस था, व्हाट नॉट. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू ऑल दोस्ट जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछे थे कि आई माइट हेल्प यू गाइज टू डू योर फैट लॉस और मे बी योर मसल गेनिंग. ओके, सो वो वीडियो जो था वो 3 महीने पहले का वीडियो है, जब मैं बाली जा रहा था. क्योंकि बाली से पहले मैंने काफी ज्यादा प्रेप करी थी, मतलब कि बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी शर्टलेस इन बाली और मुझे चाहिए था दैट आई हैड दोस पैक्स. तो मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी. बट बाली के आने के बाद बहुत बड़ा गैप पड़ गया. बाली के जो 25 डेज थे वो, उसके बाद हम घर चले गए तो काफी सारा गैप आ गया. और तब से लेकर अब तक मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ जिम में. सो अभी की जो बॉडी है इट्स वेरी मच यू नो वैसी नहीं है. बट यस, दैट्स द यू नो दैट्स द थिंग कि अभी हाँ, अभी बॉडी उस लेवल की नहीं है. तो मैं आने वाले 30 दिन में बॉडी वैसी बनाऊंगा. सो यस, लेट मी शो यू गाइज अभी मेरी करंट स्टेट. एंड 30 डेज के बाद तो मिलना ही है हमें, है ना. ओके, सो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ माई बॉडी. आई नो वो पैक्स जा चुके हैं, अगर मैं थोड़ा ऐसे करूंगा तभी पैक्स दिखेंगे. बट एनीवेज, अभी के लिए दिस इज द करंट स्टेट एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शो यू ऑल कि हम 30 डेज में अपनी बॉडी के साथ क्या करेंगे. एंड एक छोटी सी चीज, मैं अपनी बॉडी, मैं पहले शर्ट पहन लूँ बिकॉज मुझे ऐसे बात करने में बहुत शर्म आई. बट एनीवेज, एक बार फिर से आप लोग टेक अ लुक. मैं जो आफ्टर वीडियो भी होगा उसमें भी ये क्लिप डालूंगा. सो यस, मैं शर्ट पहन लेता हूँ पहले. सो यस, आप लोगों ने अभी करंट मेरा स्टेट देख लिया बॉडी का. एंड आई एम गोना गिव अ लिटिल मोर डिस्क्लेमर टू माय बॉडी. मेरा जो बॉडी टाइप है ना, इट्स लाइक मैं अगर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 10 दिन में अच्छे से डाइट करूं, अच्छे से वर्कआउट करूं तो ऐसे रिजल्ट आता है. और अगर मैं 10 दिन गलत खाऊं, वर्कआउट ना करूं तो मेरा ग्राफ एकदम नीचे गिर जाता है. तो वही बोलते हैं ना कि प्रोज भी है कॉन्स भी है, बट रिजल्ट काफी जल्दी दिखता है. अगर मैं गलत खाऊंगा तो उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा, अगर मैं सही खाऊंगा तो उसका भी बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा. अगेन, हर की अपनी अपनी बॉडी टाइप है. तो कईयों को यार, कई बहुत खाते हैं लगता ही नहीं है उनको, मसल गेन नहीं हो पाता. और कई थोड़ा सा भी खाते हैं उनको एकदम लग जाता है. सो आई नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज. तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया.
So yes, I am very much excited and I'm gonna take you guys to the journey of 30 days. I know it's just 30 days. देखते हैं 30 days में हम क्या कर सकते हैं. अभी जो मैंने fat loss किया था वो भी बिल्कुल ऐसे डेडिकेटेड नहीं था मैं डाइट को लेकर या वर्कआउट को लेकर, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट आई ट्रैवल अ लॉट. तो वो ट्रैवलिंग में यार खाना चेंज होता है, फिर वर्कआउट चेंज होता है, मतलब वर्कआउट नहीं भी होता है कई बार, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसीलिए मुझे एक साल लग गया. हाँ, टू आंसर दैट क्वेश्चन कि काफी लोगों ने मेरे को ये पूछा था कितने टाइम में आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है. सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको पूरे को एक साल लग गया. तो वो एक साल में मैं 2 महीने बहुत अच्छे से करता था, उसमें फिर अगले एक महीने में खराब हो जाता था. मतलब कि व्हेन इट कम्स टू डाइट या व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, तो कुछ ना कुछ चीजें मतलब खराब हो जाती है. तो अभी मैंने थोड़ा एक डेडिकेटेडली डिसीजन लिया है दैट आई विल बी वेरी मच डिसिप्लिन. मैं बहुत गलत टाइम पे 30 डे चैलेंज शुरू करूं, बिकॉज दिवाली आ रही है, हम घर जाएंगे, वहां पे कुछ ना कुछ, चलो ठीक है, उस 30 डेज में हम 1 से 2 से 3 दिन चीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं. बट यस, हम देखते हैं कि 30 डेज में क्या होता है, बिकॉज आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं प्रॉपर वर्कआउट प्रॉपर डाइट करने वाला हूँ ये 30 डेज. और आप लोगों को मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी. मैं इसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो एंड तक भी बनाऊंगा 30 डेज के बाद, और आई ट्राई कि मैं 15 डेज का भी आपको एक प्रोसेस दिखा दूं कि मैं क्या कर रहा हूं. और जो प्रॉपर एंड में पोस्ट वीडियो होने वाला है उसमें प्रॉपर मैं आपको डाइट बताऊंगा, मैंने ये खाया है, मैं अपना वर्कआउट पैटर्न बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा उसमें. तो यस, ये वीडियो ज्यादातर लड़कों के लिए होने वाला है, नॉट जस्ट लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी जिनको फैट लॉस करना है और जो ये जर्नी पे हैं बट उनके लिए कुछ चीजें वर्क नहीं कर पा रही हैं. तो मे बी आई कैन गाइड यू और मे बी मेरे मेथड्स आपको काम कर जाएं. सो यस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं बिकॉज मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ. तो यस, आई एम सो एक्साइटेड टू डू 30 डे चैलेंज एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन इन कॉमेंट सेक्शन, सो दैट मैं पढ़ के थोड़ा मोटिवेट हूँ और मैं ये ट्रैक पे जहाँ जा रहा हूँ उसमें जाने के लिए मुझे ताकत मिल जाए. सो यस, एंड आई एम वेरी मच होपिंग कि आफ्टर दिस 30 डे चैलेंज आई विल डू मोर जिम वीडियोज, जिम रील्स, और मतलब फिटनेस की तरफ आई विल पुट मोर एफर्ट. सो आई नीड योर हेल्प. सो नीचे जाके कॉमेंट सेक्शन पे डू मोटिवेट मी, डू लेट मी नो वॉट शुड आई डू वॉट नॉट, है ना. तो चलो मिलते हैं 30 डेज के बाद. नहीं मिला, आई विल कीप ऑन मेकिंग यूट्यूब नाउ, ठीक है. तो ओके, बाय. 30 डेज के बाद देखता है क्या बनता है बॉडी. बाय.